तापमान बदलने वाला है, मौसम बिगड़ने वाला है। हाँ ऐसे, हाँ ऐसे, हाँ बिल्कुल सही पकड़ा है रही हूँ कि यहाँ पे मशहूर था कि एक जमाने में परियां आती थी। जी, 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 जी। ये इसकी खूबसूरती की वजह से कहते हैं या वाकई में आती थी? जी हम सब रेडी हैं एडवेंचर के लिए। सब्सक्राइब तो बनता है बॉस। बहुत ही प्यारी सुबह के साथ अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून माय ब्यूटीफुल डियर्स, वेलकम टू माय चैनल। का पहला व्यू है। अस्सलाम वालेकुम। चले जी, वाओ, हाँ बारिश अभी भी हो रही है। अच्छा जी जनाब, क्या रामेश नहीं आया? होए, मुझे तो टोपी लानी चाहिए थी। तो बारिश हो रही है यार, क्या वेदर है, ज़बरदस्त बेहतरीन, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है। सबसे पहले मैं आपको अपना चेहरा दिखाती हूँ, जो अभी इस वक्त सुबह के हो रहे हैं 7:30, और अभी मैं आपको जो व्यू दिखाने लगी हूँ ना, ओए होए 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 होए, तो ज़रा बस बोले रखो, 1 2 3 नाउ, ओए होए होए, बेहतरीन सूरत। ये हम इस तरह पहाड़ों के बीच में, ओहो हो, आए है, इतना खूबसूरत मंज़र। हमारा कॉटेज जो है वो वाला है, ठीक है, और अफशीन भाभी का कॉटेज वो वाला है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही प्यारा मंज़र है। ये कोई कम है पाकिस्तान हमारा खूबसूरती में? बेहतरीन। काशिद, हाँ चाय बूंदाबांदी हो रही है, अभी भी चाय तो बनती है। अरे ये मैं हूँ, ओहो ये देखिए जरा, माशाल्लाह, ये हमारे कॉटेजेस हैं और ये रूम से निकलते ही कुछ इस तरह का मंजर है, और हल्की हल्की सी बूंदाबांदी हो रही है। ये देखिए जरा, मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें जरा, ये सब जो है यहाँ बैठ के एंजॉय हो रहा है। ये हमारा कॉटेज है, चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। रात को बहुत तेज़ बारिश हुई है, हम पहुंच गए थे, 9 to 10 hours की ड्राइव थी, बिकॉज हम रुक रुक कर आए थे, हमने स्टे किया था 2-3 जगहों पे। तो ये ऐसा मंज़र है कि मेरा दिल कर रहा है कि मैं वीडियो रोक कर आराम से एक चेयर पे बैठ के खाली इस मंज़र को एंजॉय करूं। इतना कोई खूबसूरत मंजर है। रात को ठंड ज़्यादा थी, अभी भी ठंड है चिल होने वाली, लेकिन ये है कि इस मंजर को देखकर हमें वो वाली सर्दी भी कबूल है। इतना कोई खूबसूरत मंजर है ये। आज हमारा इरादा है झील से फुलमुल्क जाने का, इसको प्रोनाउंस करेंगे झील से फुलमुल्क,
और कुछ लोग कहते हैं झील सैफुल मुल्क। सो हम जाएंगे आज वहाँ पर, तो फिर मैं आगे आगे आपको उसके क्लिप्स दिखाऊंगी। अभी मैंने बिल्कुल ब्रेकफास्ट नहीं किया और आवाज़ मेरी बिल्कुल भी नहीं निकल रही। तो अभी हम पियेंगे गरम गरम चाय और पराठे, अच्छा वाला नाश्ता हम सबके साथ करेंगे। अभी जो है वो हम बस ऐसे ही इंजॉय करने के लिए चाय पियेंगे। ये वाला जो सामने वाला फ्रंट है ना, ये बहुत खूबसूरत है। ये पहाड़ इसमें बादल आए हुए हैं बीच में, बहुत ही प्यारा लग रहा है। हाय 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 हाय, ये वेदर हो, ये सीन हो और साथ में ये नाश्ता हो। राशिद ये तो वीआईपी सेटअप हो नहीं बोले गया। नहीं बोलूं क्यों? वो अच्छे भाई हैं बहुत। बहुत बड़ा जैकेट आपका। मैंने नहीं पूछा। मेरे को भी जैकेट नहीं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ओहो, वैसे तो हमने प्रॉपर नाश्ता जो है वो करना है बाद में। ये तो ऐसी वाला नाश्ता है। ये वीआईपी सेटअप है। चलो बेटे स्टार्ट हो जाओ। तो उस वक्त मैंने आपको दिखाया था सुबह 7 साढ़े 7 बजे का मंजर, और आप इस वक्त देख सकते हैं धूप है, लेकिन जो खूबसूरत लग रहे हैं ये माउंटेन्स, ये देखिए, ये देखिए, यहाँ सनबाद लिया जा रहा है। ये देखिए ज़रा व्यू, उफ खूबसूरत, ब्यूटीफुल। सुबह में वो वाले पहाड़ सुबह तो वो वाले माउंटेन्स हमें नज़र ही नहीं आते आ रहे थे, बादल में बिल्कुल ढके हुए थे। और रात के 3 बजे यहाँ पे बहुत तूफ़ानी बारिश हुई है, लेकिन एज़ यू कैन सी अब सब मतलब साफ़ हो चुका है। जनाब अब हम नारायण के रोडों पे फिर रहे हैं। नहीं ऐसी बात नहीं है, हम जा रहे हैं नाश्ता करने के लिए। ये देखिए ज़रा, ये बन रहे हैं गरम गरम पूरी पराठे। ओफो ये देखे जरा, ओए होए 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 बेहतरीन। ये देखे जरा, चलें जी अब हम चलते हैं नाश्ते के लिए। अपनी पार्टी वहां जा रही है। अपनी पार्टी बैठी है यहाँ पर। बुकिंग हो गई। नारायण पंजाब टिक्का हाउस। सबसे पहले अच्छा नहीं मेरे हाथ में आ रहा। कौन हो? कौन है ये बुजुर्ग? गाइस पुलिस सबको बांटने के चक्कर में ना मेरे हाथ से क्या? नहीं लेकिन मैंने जहाँ जहाँ खाने की बनाई ना, सबसे पहले अक्षम भाभी का हाथ है हर वीडियो में। बच्चों को बांटने के चक्कर में सबसे पहले आते रहो। चले जी बिस्मिल्लाह करें 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 बिस्मिल्लाह करें। ब्रेड आ रही है मेरा बच्चा। सो माई ब्यूटीफुल डियर्स, अब जो है हम जा रहे हैं झील सैफुल मुल्क, और मैं आपको अपने साथ लेके चल रही हूँ। सब जो है गाड़ी में मेरा वेट कर रहे हैं। आज का गेटअप मैं दिखाती हूँ बाद में। ये जीप आ गई है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? रेड वाली प्यारी है। नहीं स्टार्ट कर ले। नहीं नहीं स्टार्ट नहीं करना। आज की हमारी ड्राइवर ये है, ये सीधा हमें ऊपर पहुंचाएगी। टेंशन नहीं लेने का, आप उन्हें ना सीट बेल्ट पहन लो, मौसम बिगड़ने वाला है। मौसम का तापमान बदलने वाला है। मौसम बिगड़ने वाला है। मुझे जी हम सब रेडी हैं एडवेंचर के लिए। सब्सक्राइब तो बनता है, बॉस मेहनत की है। Thank you.
तो यहाँ से स्टार्ट होता है जीप का सफर, यानी के झूले लेने वाला सफर। तो आप भी चलिए मेरे साथ झूलते झुलाते घूमते फिरते झील सैफुल मुलुक। अच्छा मौसम है, बहुत ज़्यादा ठंड नहीं है और मज़ेदार मौसम है। चलते हैं नीचे की तरफ, चल जाते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। बहुत प्यारा मौसम हो रहा है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे बीच में है बाजार। जीप तक पहुँच के ऐसा लगता है कि फ़ौरन आ जाएगी झील, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। तो ये हम जा रहे हैं, ये हमारे हैं तनवीर भाई जो हमें लीड कर रहे हैं। जीप से उतर के ऐसा लगता है कि बस फौरन से आ जाएगी झील, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे ये पहले स्टॉल होटल्स कुछ भी नहीं हुआ करते थे, 2003 का बता रही हूँ मैं आपको। मैं तो खैर पहली दफ़ा आई हूँ यहाँ पे, लेकिन मेरे जो बाकी इन लॉज हैं वो सब यहाँ आ चुके हैं। तो ये बाजार बन गया है यहाँ पे पूरा। तो जो व्यू है ना वो आपको आगे जाके मिलेगा। शूज़ अच्छा किया मैंने, ये ट्रैकिंग शूज़ पहन लिए, वाटरप्रूफ। ओ हो, ये है ना व्यू जिसके लिए हम इतनी दूर से आए हैं। ये मुझे बहुत ही प्यारी एक काऊ नज़र आई है, मैं आपको लेके चलती हूँ। वो रही काओ, बहुत ही प्यारी पुरसकून जगह है। ये देखें, मैं आपको इतनी प्यारी काओ के बच्चे के पास लेके आई हूँ। आवाज़ ही चेंज हो गई मेरी। हेलो हेलो, ये देखें ज़रा। ऊपर आते आते थोड़ी सी हार्ट बीट तेज़ हुई है, क्योंकि हम ऊंचाई पर हैं और मौसम बहुत ही प्यारा है। और आप देख सकते हैं अल्लाह की कुदरत, यहाँ आके अल्लाह की कुदरत पे बहुत, जिसे कहते हैं, शुक्र अदा करने का दिल करता है।
माई गॉड ओफो ओहो हो 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 ओफो हरी वाव हेलो बेबी हाउ आर यू क्या नाम है आपका क्या नाम है दीबा बहुत प्यारा नाम है आप कहाँ रहते हो इधर घर है आपके अच्छा आप यहाँ पे क्या कर रही हो अभी इस वक्त अभी आप क्या कर रही हो यहाँ पे ऐसी घूमने आई हो हैं अच्छा लग रहा है आपको यहाँ पे आप उर्दू बोलती हो नहीं कौन सी जुबान बोलती हो उर्दू समझ आती है आपको हाँ कुछ खाओगी मेरे पास एक चॉकलेट है आपको दूँ हाँ खाओगी अच्छा एक मिनट रुको मैं आपको देती हूँ ये लो से थैंक यू से थैंक यू अच्छा ये लो बाय बाय पॉलिश बेबी ये बता रही है इसका घर जो है वो यहाँ पर है लेकिन मुझे यहाँ पे घर कोई नज़र नहीं आ रहा लेकिन ये यहाँ रहती है हाँ वो झोपड़ी टाइप की बनी हुई तो है इन सब का प्रोग्राम बन गया हॉर्स राइडिंग का तो अब मैं भी जाऊँगी ऑब्वियसली आई लव एडवेंचर मेरे लिए कौन सा घोड़ा है खूबसूरत कौन सा है कौन है ये लोग कहाँ से आते हैं ये वाला वाइट प्यारा लग रहा है सबर मुझे अपने लिए घोड़ा पसंद करने दो पहले सबसे बड़ा घोड़ा है इधर देख हाँ ये गोल्डन है बड़ा घोड़ा राशिद मेरे लिए कौन सा हाँ ये प्यारा लग रहा है कौन सी वो जो पहाड़ी है वो जो सामने नजर आ रही है मलका पर्वत
आपके घोड़े का क्या नाम है? बबलू। ओके, अच्छा प्यारा नाम है। अच्छा मैंने मोबाइल ऐसे पकड़ा हुआ है, मेरी उंगलियां जो है ना वो फ्रीज हो गई हैं। अच्छा इन्होंने अब घोड़े को ना थोड़ा भगाना शुरू किया है, थोड़ा घोड़ा भाग रहा है लेकिन बहुत मजा आ रहा है। ये वाला मंजर देखकर जो है ना कोई ऐसा नहीं है जो फ्रेश ना हो, इतना खूबसूरत मंजर है ये। यानी कि आप ये सोच लें कि मैं अपने मोबाइल में सिर्फ 50% इसकी खूबसूरती कैप्चर कर पा रही हूँ, तो आप ये देखें कि जो रियल में मैं देख रही हूँ वो कितना खूबसूरत होगा। बहुत ही खूबसूरत, मेरे पास अल्फाज नहीं है इस खूबसूरती को बयान करने के लिए, इतना खूबसूरत है ये। बिस्मिल्लाह। और ये पाकिस्तान की बहुत ही मशहूर झील है। इसके लिए भाई ये भी कहते हैं ना कि यहाँ पे परियां आती थी एक जमाने में, और ये सच सच्चे वाकई है। कौन से लोग होते थे? बुजुर्ग लोग। ये है मियां अशरफ जो कि वहाँ के लोकल हैं। कहानियां तो हमने बहुत सुनी है बचपन में जिन्नात की, परियों की, तो आज आपको कहानी सुनाने जा रहे हैं मियां अशरफ। तो चलिए कहानी सुनते हैं, झील सैफुल मुल्क की कहानी मियां अशरफ की जुबानी। अच्छा आप मुझे पहले बताएं आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम मियां अशरफ है। यहाँ पे मशहूर था कि एक जमाने में परियां आती थी। जी, 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 जी। ये इसकी खूबसूरती की वजह से कहते हैं या वाकई में आती थी? खूबसूरती की वजह से है कि इसके अंदर अल्लाह ने बड़ी इज्मत करामत भी रखी है। आपको सारा बात बताता हूँ। अच्छा अब जी ये सैफुल मुल्क जिसके नाम के ऊपर ये झील का नाम मशहूर हुआ, ये तारीख चली आप लोगों तक हमारे तक पहुंची है। ये एक शहजादा था मिस्र का, बादशाह का बेटा, बादशाह का नाम था आसम, शहनशाह का बेटा था एक ही। और उसको एक दफा ख्वाब आई, इशारा हुआ ख्वाब के अंदर ये झील की भी उसने देखी, यहाँ पर ही को देखा ख्वाब में। उससे पहले इंसान की बारी है यहाँ नहीं थी, ये किसी दौर के अंदर किसी वक्त के अंदर ये थी, झील जो थी यहाँ तक थी ऊपर। अच्छा तक, ये झील थी सारी। ओके। और जिस वक्त तो शहजादे ने सुबह उठ के अपने वालिद को ख्वाब बताई भी, इजाजत भी मांगी, वो चीजें उबाद और घूम फिर रही थी वो चीजें इन इलाकों में, शहरगाह हकूमत बादशाही थी उनके। वहां से शहजादा अपने घर से निकल आया, आते आते एक साल उसको रास्ता ढूंढते तलाश करते गुजर गया, रास्ते में फंस गया, उसको एक अल्लाह का वली बुजुर्ग मिला कुदरती। उसने बताया कि एक मलका पर्वत पहाड़ है, ये मलका पर्वत जिसके ऊपर आज रात को भी ताजा बर्फबारी हुई है, ये बिल्कुल नजर आ रही है, बिल्कुल आ रही है वो ये वाली बादलों में ये वाली है। इसको इस वक्त तक किसी ने पास न कर सका, जिसके ऊपर मलका का महल भी था। अच्छा। और उसका इस वक्त भी उसकी निगरानी थी और इसके ऊपर पैर है, उन चीजों का जाने नहीं देती इंसान को, बहुत लोग इसे जाया हुए। अच्छा। टीमें इसके ऊपर गई थी, नाकाम हो गई। अच्छा। और वापस जिंदा भी नहीं आई। अच्छा। जिस वक्त शहजादे को फिर उसी अल्लाह के वली बुजुर्ग से सुलेमानी टोपी मिली, उसकी मदद में दो जिन हाजिर हुए, जिन्होंने आवाज उठाया ये सामने पहाड़ी जिसके ऊपर छोटी वादी वो मस्जिद कच्ची, उस तरफ से पानी का रास्ता है। उस वक्त में ये रास्ता जो वक्ती है नहीं, आगे से पहाड़ क्लोज थी, बंद थी। 40 दिन चीला काटा, 40वें दिन के बाद देखते हैं चांद की चौदहवीं रात इस झील में परिये फैल रही तैनार रही। उस वक्त शहजादी की निगाह पड़ी, शहजादी को खुशी हुई, अल्लाह का शुक्रिया अदा किया और उन जिनों को बुलाया कि ये परी जो है मेरे कब्जे कैसे आ जाएगी। जिन पहुंचे सब परियों ने अपने ताज किनारे पर रखे हुए, जिन्होंने उसका ताज उठाया तो लेके शहजादी को दे दिया। परियां जिस वक्त झील से फारग होकर बाहर आई, अपने अपने ताज उठा कर पहनी, मलका का ताज गायब है। दूसरे से पूछा, दूसरे ने कहा कि हमें कोई मालूम नहीं, वो डर की मारी भाग गई, उड़ गई, अकेली रह गई। वो उस वक्त तो ब्यासरी हो गई और गम में थी। उस वक्त शहजादा सामने आया, शहजादे को उसने बोला कि शहजादा मेरा ताज जल्दी वापस कर कि मैं एक देव के कब्जे में हूँ, अगर वो जैन पहुंच गया आपको भी मुझे भी खत्म करेगा। शहजादे ने ये बात नहीं मानी, शहजादे ने कहा जो कुछ अल्लाह करेगा, ताज नहीं देना, मेरे साथ चलो। यहाँ से ले के हासिल करके गया नारायण की तरफ। नारायण के अंदर उस वक्त में एक बियाबान जंगल है और ये जितने इलाके कोई काफ लाती थी और जिनों परियों के इलाके थे, इंसान के नहीं थे। उस वक्त जो परियां वापस गई उन्होंने फौरी जाकर उस देव को अतला भेजी कि आज हमसे मलका से जुदा हो गई। देव पहुंचा, देव ने ये झील को तोड़ा हुआ यहाँ से, ये फ्लड की है। अच्छा। फ्लड जाकर नारायण में पहुंचा, उस वक्त ये
पानी निकल गया ये जितना फ्लड जाकर नारायण में पहुंचा परी और सिद्धार्थ के रस्ते में उन्होंने अल्लाह से दुआ मंगी कि बारी ताला इस मुसीबत से बचा। उस वक्त जमीन फट गई, जमीन ने उनको रास्ता दे दिया, एक सुरंग बन गया घर, जिस घर के अंदर उन्होंने पनाह ली है वो घर इस वक्त भी मौजूद है। अगर देखना चाहो नीचे जाकर उस यादगार जगह को देख सकते हो। अच्छा, अच्छा। जिसके अंदर टॉर्च रोशनी काम नहीं करेगी अभी। फिर यहाँ से देव तलाश करता करता बाबू सर टॉप तक गया। बाबू सर टॉप से अगर एक स्कर्दू साइड पर देव सही प्लेन एरिया, देव सही का नामों से मशहूर है, वो देव वहां जाके किसी पहाड़ के ऊपर उसने छलांग लगाई है गुस्से से, वो देव गिर के मर गया। परी और शहजादे को दोनों को यहाँ से फिर उन जिन्होंने निकाल के लेके मिस्र को पहुंचाया। सैफ शहजादे का नाम था, मलूक इसलिए नाम इसका पड़ा कि सैफ की और मलका की दोनों की मुलाकात यहाँ हुई। अच्छा। यहाँ से उसको परी हासिल हुई है। अच्छा। कामयाब होकर लेके गया मिस्र को शहजादा। उसके बाद लोगों तक ये तारीख पहुँच दी गई, जो कहानी शुरू हुई। ये मैंने भी जो परियों का जो सिलसिला है जो भी है, ये मैंने अपनी अम्मी और अब्बू से सुना है। अभी भी है इसमें। अच्छा। चांद की चौदहवीं रात को आप बताता हूँ, चांद की चौदहवीं रात इतनी खूबसूरत मंजर है कि सुभान अल्लाह। आप बैठे बैठे आप बहुत अच्छे लग रहे हैं बैठे हुए। चौदहवीं रात इस वक्त इतनी खूबसूरत मंजर है कि सुभान अल्लाह। बाजी मैं क्या कह सकता हूँ कि इंसान तो अल्लाह की जो तारीफों का अल्लाह की नियमतों का शुक्र भी अदा नहीं कर बिल्कुल, सकता बिल्कुल। तारीफ बयान भी नहीं कर सकता। बाकी ये जगह इतनी खूबसूरत है, देखकर जिस वक्त चांद निकलता है चांद की रिफ्लेक्शन पड़ती है इसके अंदर, फुल मून होता है चांद का, चांद पहाड़ आसमान सितारे ऐसे देखो इसके अंदर कि जैसे शीशे के अंदर इंसान अपने चेहरे को देखते हैं। हजारों किस्म के इसके रंग कलर उस रात में बदलती, इंसान इसको ये नहीं समझता कि ये शीशा या पानी, अल्लाह की शान, अल्लाह की शान, सुभान अल्लाह। सर्दियों में ये झील जम जाती है, उसे सर्दियों में दिसंबर में इसको जमी हुई देखो, इसको शीशा देखो, इसके ऊपर आदमी चल फिर सकता है। और इससे आगे एक आंसू झील है छोटी, आंसू झील, आंसू झील वो पहाड़ के पीछे बिल्कुल ये है तलोक है कि वो सत परिये जो जुदा हुई मलका से रोती रही घूमती रही और उनके आंसू गिरे। अच्छा। की तरह उसकी शक्ल पानी दरमियान उसका मोतिया बर्फ का रहता है और जैसे उसका पानी जो निकलता है जैसे आंख से आंसू की। तो वो जो परियां यहाँ पे एक जो असल परी थी वो यहाँ रह गई, वो यहाँ रह गई, ले गया शहजादा। हाँ, ले गया। दूसरी है जो वहाँ में थी वो आंसू लेके चली गई। हाँ, बॉडी गार्ड थी। अच्छा। वो आंसू ले गई है वो उन्हीं के आंसुओं से, मलका के ऊपर रहती थी, मलका पहाड़ के ऊपर रहती थी वो। बिल्कुल। यहाँ दुआ मांगो हाजिक मांगो अल्लाह पाक कबूल करते, यहाँ से मुरादें पूरी हो गई। अच्छा। अल्लाह पाक आप लोगों को भी जिंदगी दे, आमीन। दुआओं में बिल्कुल लाल कर बिल्कुल, आमीन आमीन आमीन। हर किस्म की परेशानियों से आमीन आमीन आमीन। अल्लाह मुझे बीमारियों से भी बचावे, अल्लाह खुशी के साथ रखे, खुशी के साथ फिर ले आवे अल्लाह। आमीन आमीन। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। हाँ, अल्लाह ताला आपको भी सेहत दे। एक थोड़ी छोट में भी बताऊं क्या थोड़ा जी? इसकी मसीकी सजादे की। अच्छा। इतना दूर गए बाग बहरा गुलजारा बिन यारा किस कारी बाग पके में अपना मां के बाग मेरे किसे कारी वह माली दा कामे पानी देना ते पर पर मशीका पावे मालिक दा कामे फल फूल लाना ते लावे या ना लावे चले वे यारी हवाली रब दी ते मिल चार दिना दी उस दिन मुबारक हो सी के जिस दिन फिर मिलांगी। हमें मिल गया है बकरी का बच्चा, इतना क्यूट सा, इतना क्यूट सा। हाँ, तो हम उससे मिलने जा रहे हैं। दुबई वालों, दुबई में नहीं बैठो, आ जाओ यहाँ पे घूमने के लिए।
जो पाकिस्तान की खूबसूरती है ना तुम लोगों को कहीं नहीं मिलेगी। दिखा हरी मटो रामेश में इधर देखो सबर आगे से बाल ऊपर कर मैं देरी बनाती हूँ। ये देखें जरा सही जा रहे हैं बिल्कुल आप आज अकेला हूं वरना तो मिसेस के साथ चाय का कप देखें मिस कर रहे हैं मिसेस को। हाँ वो तो कर रहे हैं। बहुत एंजॉय करने के बाद हम इस पहाड़ी से अब हम जा रहे हैं चाय पीने और फिर वहां जाके हम खूब एंजॉय करने वाले हैं। तो चलिए मेरे साथ मंजी कहते हैं ना इसे चारपाई। तो अभी जो है खटिया ते नहीं खटिया होते चा नहीं खटिया खटिया होते बैंड बैंड कर चा पीसा। हाँ कामयाब हो गई कामयाब हो गई थोड़ी बहुत। चलो मैं खटिया होते बैंड लगी हाँ आज इधर आ जाए ये देखें जरा व्यू चेक करें जरा बेहतरीन माशाल्लाह। वैसे इतनी खूबसूरत जगह पर आकर पकोड़े खाने का मजा ही कुछ और है। अभी बस कुछ ही सेकंड में आपके भी मुंह में पानी आने वाला है। चल आज मैं रिकॉर्ड तोड़ती हूँ मेरा पहले हाथ जा रहा है। वो देखो वो देखो देखिए जी ये पकोड़ा और ये रही हमारी देखें क्या मजा है इसके साथ। पीछे का व्यू चेक करें और साथ में गर्मा गर्म पकौड़े ये देखिए जनाब खूबसूरत तरीन मौसम ये बादल देखिए और पकौड़े सब देख के हंस रहे एक प्लेट तो कम पर नहीं पकड़ोगे ले पूरा प्लेट भी खा ले। अब है हमारी वापसी हम जा रहे हैं वापस से जीप में झुझू करने और एंजॉय किया। अच्छा हमारे जूते साफ हो जाएंगे अगर मैं आपको सही बात बताऊँ ना तो इस व्यू को छोड़ के जाने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा। इतने खूबसूरत नज़ारे राशिद बैठ रहे हैं अपनी जीप में। हम वापस आए हैं अभी अभी ये आप देख सकते हैं
अल्हम्दुलिल्लाह हम वापस आ गए हैं, लेकिन अब जो हैं अब जाने लगे हैं हम रिवर राफ्टिंग के लिए। बहुत मजा आया, बहुत मजा आया, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत एंजॉय किया। अब हम जा रहे हैं रिवर राफ्टिंग के लिए, सो वी नीड टू फ्रेश अप एंड देन वी विल गो अगेन। यस।